इमेज फॉर्म बाई अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। तो वर्चुअल किस किस केस में बनती है? प्लेन मिरर में वर्चुअल होती है सारी की सारी इमेजेस। आपका कॉनकेव में भी एक केस होता है, कौन से वाला? लास्ट वाला, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। और कॉनवेक्स में तो बनती है हमेशा वर्चुअल है। तो उसने कहा मिरर कौन सा होना चाहिए? तो अब यहां हमारे पास प्लेन मिरर का तो ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए प्लेन मिरर की हम बात नहीं कर रहे। कौन? क्योंकि यहां स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर में मैंने बताया दोनों में बन सकती है वर्चुअल, वर्चुअल तीनों में बन सकती है इनफैक्ट, याद रखना है। तो यहां जब इसकी बात की स्फेरिकल की तो दोनों बोल दो बस, इधर कॉनकेव और कॉनवेक्स। अंडरस्टूड? वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज वर्चुअल। मतलब किसी भी पोजिशन पे ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है आप बताएं? कॉनवेक्स की, क्योंकि कॉनवेक्स में सारी की सारी जो इमेजेस बनती है पोल और फोकस के बीच में बनती है और सारी छोटी होती है, सीधी होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सिर्फ कॉनवेक्स हो सकता है। अब यहां क्या कह रहा है कि इधर कॉनकेव और कॉनवेक्स, कॉनकेव में नहीं होता क्योंकि कॉनकेव में तो बराबर भी होती है बड़ी भी होती है। समझ में आया? इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर में भी हमेशा वर्चुअल ही होती है क्योंकि वो भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। और आपकी कॉनवेक्स में अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉनवेक्स में सारी की सारी इमेजेस छोटी बनती है, सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है। किसमें? कॉनवेक्स वाले केस में। कहां बनती है? पोल और फोकस के बीच में। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, कौन से? प्लेन एंड कॉनवेक्स। कॉनकेव में नहीं बनती, तो कॉनकेव वाला ऑप्शन नहीं टिक करना है, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कॉनकेव मिरर को हम कैसे यूज नहीं कर सकते हैं? मैग्नीफाइंग मिरर कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग के केस में तो कर सकते हैं ना उसको, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। अ टॉर्च रिफ्लेक्टर कर सकते हैं, फोकस पे रख दो पैरेलल बीम बन जाएगी, तो वो यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट मिरर करते हैं सीधी और बड़ी इमेज देखने के लिए। रियर व्यू मिरर नहीं कर सकते क्योंकि रियर व्यू मिरर में क्या होता है, पीछे का देखना है, तो पीछे का जितना ज्यादा दिखेगा उतना बढ़िया होगा, तो उसके लिए हमें दूसरी कंडीशन क्या है, सीधा होना चाहिए। और कॉनकेव में क्या होता है, सीधा होगा तो एनलार्ज हो जाएगा नहीं तो उल्टा बनेगा, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता, इसलिए ये आपका आंसर होगा। इसमें हम रियर व्यू मिरर की तरह से यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू अ स्फेरिकल मिरर, ही फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज हेड बिगर देन नॉर्मल। तो उसने क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है जहां वो अपने हेड को अपने साइज से बड़ा देख रहा है। बड़ी इमेज सिर्फ और सिर्फ किस में बन सकती है? कॉनकेव में। कॉनवेक्स और प्लेन मिरर में कभी नहीं बनती। तो पहला केस क्या है? कॉनकेव का है। ऑप्शंस में देखो, कॉनकेव सिर्फ कहां लिखा है? इस ऑप्शन में लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो गया और कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बट पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। द मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑफ द सेम साइज, मिडिल पार्ट क्या है? सेम साइज का है, सेम साइज का है तो क्या होगा? प्लेन मिरर होगा। क्या होगा? प्लेन मिरर। एंड हिज लेग्स स्मॉलर देन नॉर्मल। अब यहां कहीं भी ये नहीं बोला कि वो कहीं भी उसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इसलिए क्या है कि यहां हम क्या क्या देख सकते हैं? हिज लेग्स स्मॉलर देन नॉर्मल, छोटे बनने तो सीधे हैं, छोटे और सीधे किस में बनते हैं? सिर्फ कॉनवेक्स में, तो इसलिए लास्ट केस कॉनवेक्स का हो गया। तो इस तरीके से वो तीनों को मिक्स करके बनाया गया है, जिसको कह रहे हैं मैजिकल मिरर। अंडरस्टूड?